तो आज मैं लेकर आया हूँ पाकिस्तान का सस्ता तरीन आईफोन। वैसे भी पाकिस्तान में तो यार जो कंपनी देख लो आजकल आईफोन के छापे मारने पे मसरूफ है। छोटे मोबाइल वालों ने बोला क्यों ना यार हम भी आईफोन की कॉपी निकाल लें, तो वही कॉपी आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो ये भाई कॉपी रही, ठीक है, फावा का एक मोबाइल है F14 Pro। F14 Pro अगर आप इसको सर्च आउट कर लें तो यार ये बहुत से और मजीद कंपनी में भी आ रहा होगा, लाइक फावा ने भी लॉन्च किया, एक आईटेल आई थिंक सो आ रहा है, आईटेल नहीं तो कोई और इस तरह का नाम आसपास कोई न्यू कंपनी है यार। दो तीन कंपनीज ने ये मॉडल इस तरह का लॉन्च किया है, सेम मोबाइल है, जस्ट उन्होंने अपना यहाँ पर नाम जो है वो चेंज किया हुआ, लाइक फावा है तो ये फावा का यहाँ आ जाएगा, अगर कोई और कंपनी है तो उनका ये लोगो आ जाएगा और उनके बॉक्स पे उनका नाम। लुक लाइक एयरबड जिस तरह से नहीं होते, एयरबड सब एक ही होते हैं, बस उनके ऊपर अपना लोगो ठोकते हैं और जान दे इसका हम चला लेते हैं। तो ये भाई हमारा मोबाइल आज इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे ये लुक लाइक कैसा है और कैसा आपको दिखता है। फ्रंट पे बात करें तो मोबाइल की स्किन है, आई थिंक सो ये जो कलर है ये गोल्डन कलर में आ रहा है, दैट्स द रीज़न यहाँ पर आया। अगर आप डिज़ाइन को देखें तो डिज़ाइन का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आईफोन की तरह इन्होंने कम्प्लीटली कॉपी कर लिया है, ऊपर इसका नाम दिया गया है। बैक पे देखें तो यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, तो हमें कलर्स देखें तो यार 6 कलर्स में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, जो कि ब्लू है, डार्क ब्लू है ये आई थिंक सो, और ये पिंक है, ग्रे आ रहा है, गोल्डन एंड आई थिंक सो ये दिस इज ब्लैक कलर। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो नीचे यहाँ पर हमें 1000 हम इसमें कॉन्टैक्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। 2.4 इंचेस का यहाँ पे डिस्प्ले है, रिजेक्टेड अननोन कॉलर्स, PCBA MTK, आई डोंट नो यार ये क्या है, आई थिंक सो ये चिप सेट है जो इसका नाम है। एयरप्लेन मोड इसमें इनेबल आप कर सकते हो, पावरफुल टॉर्च है वो भी देखते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग इसको भी एक बार टेस्ट आउट कर लेंगे, ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर ऑब्वियसली भाई आपने इसमें देना ही है। 4 सिम्स हैं इस बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन में, वायरलेस FM जो है इसमें अवेलेबल है, उसके अलावा यहाँ पर वाइट लेस एंड ब्लैक लेस वाला ऑप्शन भी आपको गिवन दिया जाता है। साइड पे देखें तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर PDA का यहाँ पर लोगो दिया गया है। लेट्स ओपन दिस एंड देखते हैं कि इसमें हमें कैसा मोबाइल फ़ोन जो है वो देखने को मिलता है। इसको हम पैकिंग उतारते हैं एंड ये PTA का लोगो है एंड ये फावा का लोगो आ रहा है, इसको हम काटते हैं एंड इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा मोबाइल की फर्स्ट लुक, ये 1 साल की आई थिंक तो वारंटी भी है इसकी और ये इसका वारंटी कार्ड आ रहा है। तो मोबाइल फ़ोन हम ओपन करते हैं और साइड पर रख के और मज़ीद एक्सेसरी देखते हैं, जो कि एक केस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इस मोबाइल फ़ोन में एक केस भी दिया है और ये चार्जर इसका आ रहा है, ये आई थिंक जो कंप्लीट चार्जर है, इसको भी हम एक बार देखते हैं, इसको साइड पर करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है यार कि इन्होंने केस दिया हुआ है। इसको हम साइड पर करके मोबाइल अपना निकालते हैं और फर्स्ट लुक हमारे मोबाइल की, ये जो कलर है ये पर्पल कलर आ रहा है और इसकी लुक की बात करें यार कमाल की लुक है, और बैटरी इसमें बिल्ट इन ही दी गई है, और इसको अगर ऑन करें येस ऑफकोर्स अगर देखें तो ये चार्ज भी है, तो इसको हम यहाँ से उतारते हैं। ऊपर अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के ऊपर जो स्टिकर है इसके ऊपर इसकी हाइलाइट्स वगैरह और मज़ीद दी गई हैं, लाइक 4 सिम्स है, वही FM रेडियो, गेम्स, 2.4 इंचेस की LCD, LED टॉर्च, 2200 mAh इसकी बैटरी है, 2200 mAh बैटरी है इसकी, काफ़ी पावरफुल है और अच्छी है। दिस इज़ दी फर्स्ट लुक ऑफ F14 Pro। लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छी लुक है, 4 सिम्स है। इसको ओपन करते हैं, तब तक हम अपने चार्जर को एक बार देख लेते हैं कि साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है यार इसकी। तो चार्जर बात करें तो यहाँ पर फावा का चार्जर है, तो ये भाई चार्जर है, क्वालिटी अगर बात करें बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बस नॉर्मल ही है। और लुक की बात करें काफ़ी अच्छी लुक है, और आई गेस यहाँ से हमारी सिम जो हैं वो डलती हैं, येस ऑफकोर्स यहाँ पर हमारी 4 सिम जो हैं यहाँ पर डलती हैं, 1, 2, 3, 4 जो कि नैनो सिम होती है वो है, और एक यहाँ पर आप SD कार्ड भी लगा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, 4 सिम्स मोबाइल है और साथ में आप एक SD कार्ड भी लगा सकते हो, और काफ़ी मतलब मैं तो काफ़ी एक समझ लो कि यार सरप्राइज हुए से, इसका डिज़ाइन देख लें, इसकी क्वालिटी देख लें, छोटा सा मोबाइल है बस हाथ में, ये क्या है, आईफोन है। अगर किसी को शशके के लिए लेना है ना, वो अक्सर जो लोग होते हैं वो मोबाइल फ़ोन जो है वो सेपरेटली रखते हैं, एक बटनों वाला जो होता है वो सेपरेट होता है, और जो उनके पास आईफोन ब्लॉक्ड होता है आई थिंक सो वो जो होता है वो सेपरेटली होता है, तो उसके लिए अगर आप ये रखना चाह रहे हो तो यार मेरे ख्याल से स्लिम मोबाइल है। प्राइस टैग की भी बात करते हैं, किस प्राइस टैग में आया है। इसका कैमरा मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा कि इसका कैमरा कैसा है, तो यार इसका कैमरा ढूंढने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि हम लोग टच मोबाइल यूज़ कर करके कैमरा भूल ही गए कि कैमरा कहाँ पर है। बहुत अच्छा भी नहीं आ रहा यार, बस गुजारा ही है। आहा,
क्या पिक्चर क्लिक की है मैंने, अगर आप देखें तो यार परफेक्ट पिक्चर जो है मैंने अपनी रिंग लाइट की क्लिक की और खूबसूरत पिक्चर आ रही है। अब मोबाइल की मैं यहाँ से पिक्चर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। नॉट इनफ मेमोरी, बस बोलते हैं भाई ज़्यादा मजाक नहीं करने का। लुक की बात करूँ पर्सनल, नीचे जो है बिल्कुल शाइनी सी लुक है और ऊपर भी लाइक लुक लाइक एक ही इन्होंने ट्रे में सब लगा दिया। लाइक इसकी जो डिस्प्ले है ना, ये भी काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मुझे लगी है पर्सनली। अगर देखूँ बैटरी भी इसकी काफ़ी अच्छी बैटरी है और बिल्ट इन बैटरी इसमें आ रही है, आप निकाल नहीं सकते। अक्सर मोबाइल में ऐसा होता है जो कि बटन्स वाले होते हैं, ये इसमें आप जो हो कवर जो निकालते हैं उसके साथ आप बैटरी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्ट इन बैटरी आ रही है और 2200 mAh बैटरी है जो कि यहाँ पर मैंशन किया गया, काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल लुक की बात करें पकड़ लाइक मोबाइल की बात करें ना यार, काफ़ी हैंडसम मोबाइल और यार मुझे अपना बताऊँ ना काफ़ी मज़े का मोबाइल मुझे लग रहा है। अगर वो लोग जिनके पास मोबाइल एक्टिव मोबाइल है लाइक पीटी से अप्रूव हैं और वो सिम्स चला सकते हैं उसमें, वो भी अगर इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो लेना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि यार मुझे भी काफ़ी लग रहा है कि यार मैं इसको ले सकता हूँ और मुझे काफ़ी पर्सनली खुद यार अच्छा लगा है। अब एडिशनल जो है इन्होंने साथ में केस भी इसका साथ दे दिया, तो भले भले भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना मोबाइल को और चलता रहेगा। तो ये भाई केस में पड़ गया मोबाइल हमारा और कुछ इस तरह से केस में देख रहा है, और मतलब प्रोटेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो ठीक ही रहेगा कि हमारा केस भी है। और टॉर्च की बात करें साइड में हमारी यहाँ पर टॉर्च आ रही है, आप काफ़ी हाईलाइटेड टॉर्च है यार अगर देखें तो। वैसे ना पर्सनली अगर मैं देखूँ ना, मुझे इस तरह से ये मोबाइल अच्छा लग रहा है विदाउट कवर। विदाउट कवर इसका अपना ही एक शशका है, क्योंकि यार मोबाइल जो होते हैं ज़्यादा अगर गिर भी जाए ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है कि अगर ये गिरे तो क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मुझे सेटिंग्स में मिसिंग लग रहा है। लुक लाइक ये जो जगह है ना ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, यहाँ से बिल्कुल फिट है, यहाँ से थोड़ा सा इस साइड पे बाहर है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे है। दैट्स द रीज़न कि ये जगह जो है ये खाली, आपको शायद महसूस ना हो रहा क्योंकि मैं मेरे हाथ में और मुझे ये चीज़ महसूस यहाँ से हो रही है कि ये जगह थोड़ी सी इन्होंने आई गेस छोड़ दी और ये जगह बिल्कुल फिक्स कर दी है, फिर थोड़ा सा मोबाइल बाहर की तरफ आ गया। यहाँ पर ये छोटी छोटी कंपनीज़ में ये चीज़ें होती रहती हैं, बहरहाल जैसे चलेगा तो देख लेंगे कि चलता कैसे। ये जो भी है मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा। प्राइस टैग की बात करें मार्केट से आपको 5,450 में इजीली मिल सकता है, अगर जानने वाला है आपका तो आपको मज़ीद और कम भी दे सकता है। तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हो और 4 SIM वाला लेना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से दिस इज़ ए मोबाइल जो कि आप ले सकते हो। और होप सो कि आपको इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई हों, जो भी है ये आपके सामने है तो होप सो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।